बकरी के साथ दूध पिला रहा है अपने बच्चे को। और अभी घर पहुंच गया, घर पे जब आया तो नन्हा सा। नमस्कार, और आपको फिर एक बार नया ब्लॉग पे स्वागत है। और आज तो सुबह के काम करते करते थोड़ा लेट हो गया ब्लॉग शुरू करना, अभी शुरू कर रहा हूँ। दिन के 10 बज चुके हैं और अभी खेत पे रुपाई करना है। आज ट्रैक्टर लगा है जो कि ज़मीन को थोड़ा जुताई करने के लिए, और आपको दिखाता हूँ पूरा ट्रैक्टर जो लगा है ये वहाँ पे रुपाई चलेगा, ये आपको दिखाता हूँ। ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए, और मेरा ब्लॉग पे जो लोग नया आए हैं सब्सक्राइब करना, इसे गांव का कुछ नज़ारा देखने के लिए, गांव का हालचाल समझने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, ब्लॉग को कंटिन्यू कीजिए। और ये ज़मीन पे देख रहे होंगे कैसे कीचड़ है, कीचड़ है, और ऐसे कीचड़ में खेती करना पड़ता है किसी भी किसान को। इसीलिए भारत में बोलते हैं जय जवान जय किसान, तो वही है किसान का खेती का काम करते हुए मैं, क्योंकि खेत में अभी जो धान का जो वो फेंक दिया है और अभी रुपाई चलेगा, जबकि जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग आएंगे तब ये। चलो आगे फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने के लिए, जैसे कि जंगल के अंदर आके घुस गया जैसा लग रहा है, लेकिन जंगल नहीं है ये खेत पे इतना पेड़ पौधा लगा है। और मेरा पीछे दिखाई दे रहा होगा, साइड में देखना इधर जो है ये नदी इधर भी है, और बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा रास्ता भी पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। आपको नदी दिखाता हूँ, देख पा रहे होंगे नदी वहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं छोटा सा गांव पे जब नहाने जो आता भी छोटा सा मंदिर है, और उसी मंदिर पे पूजा करते हैं। ये शिव जी का मंदिर है और यहाँ पे पूजा करते हैं। आज तो सोमवार श्रावण महीने के, मतलब आज के दिन काफ़ी लोग बोलबम करते हैं, और ये नया सा बन रहा है उसको तो मालूम होगा आप लोगों को। और आपको दिखाता हूँ पानी की टंकी जो बन रहा है हमारे गांव पे, नया से पानी सप्लाई की जाएगा उसमें। और जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग हैं, ये गेट लगा हुआ है, ये चल रहा है काम। ये एक्चुअली एक लता है जो कि जैसे देखने में गेट जैसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है देखना है आपके, ऐसे गेट जैसा लग रहा है खेत में ऐसा लगा है। ये खेत में बारिश के मौसम पे देखना बहुत अच्छा लगता है, और ये नज़ारा आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। गाँव में ऐसा ही नज़ारा रहता है, और अभी घर पहुँच गया। घर पे जब आया तो नन्हा सा बच्चा यहाँ पर थोड़ा मस्ती करते हुए, आगे के ब्लॉग में आप लोग देखेंगे ये कितना मज़ा करेगा। हमारे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, ये जब बड़ा हो जाएगा थोड़ा तब बहुत ज़्यादा मज़ा करेगा। अभी से कितना खेल रहा है, क्यूट सा लग रहा है, देख पा रहे होंगे। हाँ, और एक नन्हा नन्हा दो बच्चे आए हैं उनको भी दिखाऊंगा, जो कि आज कल वो पैदा हुए हैं उसको भी दिखाऊंगा। और वो लोग भी वहाँ पे हैं साइड में,
जबकि मेरे को आज नया काम मिला है। आपको दिखाता हूँ क्या काम कर रहा हूँ आज। और घर पे कोई नहीं है तो बकरी के लिए थोड़ा खाना लेकर आना पड़ रहा है मेरे को। देख पा रहे होंगे बकरी जो कि अभी कोई नहीं है घर पे, तो इसीलिए मेरे को ही खाना लेकर देना पड़ रहा है। क्योंकि आज खेत पे वो नहीं जा सकती, क्योंकि ये बड़ा वाला जो है कल माँ बन गया, क्योंकि दो बच्चा दिया। और वो दो बच्चा थोड़ा क्यूट सा आपको दिखाता हूँ, बच्चा लोग आके कैसे छिपे हैं आपको दिखाता हूँ। इसे अंदर पे छिप गए हैं, इसको निकाल के दिखाता हूँ। ये है दोनों बच्चा, उसको जो दूध भी के पूरा नशा में है जैसे लग रहे हैं, थोड़ा क्यूट क्यूट सा। ये दोनों बच्चा छिपने देता हूँ, वो लोग तो ऐसे छिपे हैं यहाँ पे। और ये गांव जो रहता है देसी, इसको बोलते हैं बासी, मतलब जो रात का खाना रहता है उसको पानी में डाल के रखा जाता है। और ये बहुत उड़ीसा के बहुत फेमस है, जो कि बासी पोखर बोलते हैं उसको, बहुत फेमस है। और वो भी आज मैं खा रहा हूँ, क्योंकि खेती के काम करने के बाद वही खाना पड़ता है। फिर 12 बजे को जो खाना बनता है उसको खाते हैं। तो आज जो टमाटर को जो आग में लगा के पहले जलाया, उसके बाद उसको ऐसे बनाया जाता है झोल, और ऐसे प्याज के साथ खाते हैं। जो व्यक्ति गांव से बिलोंग करते हैं उन लोगों को पता होगा ऐसे खाते हैं ऐसे काम करने के बाद। आज तो ब्लॉग में देखा है थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ा मेरे को, जैसे खेत में जाके रुपाई चल रहा है वहाँ पे थोड़ा सा धान को दे दिया। और बाकी बकरी भी जो घर पे रखा है तो घर बागल पूरा खेत पे लगे हैं, तो बकरी को भी थोड़ा खाना देना है, क्योंकि उसको बाहर नहीं ले जा सकते, जो बच्चा दिया है इसीलिए वो जाता ही नहीं है। तो ठीक है, बकरी के साथ दूध पिला रहा है अपने बच्चा को। वो लोग भी इतना क्यूट सा लग रहे हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है। दोनों क्यूट क्यूट सा